शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। जय शनिदेव। शनिदेव न्यायाधीश हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के परिणाम को हमें प्राप्त करवाने वाले शनिदेव जो कि न्यायाधीश है, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रिय साथियों, हाल ही में 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। दो राशि को शनि के साढ़े साथी का प्रभाव कम रहेगा। धनु राशि को समाप्त होगी, तुला और मिथुन राशि वाले लोगों को शनि की ढैया समाप्त होगी, लेकिन कर्क और वृश्चिक राशि वाले लोगों को लग जाएगी। यहां पर 30 मई को शनि जयंती का पर्व है, शनि जन्मोत्सव है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि रुष्ट है या फिर आपको जीवन में अपार समृद्धि दे रहे हैं, दोनों ही परिस्थिति में चाहे शनि की ढैया चल रही है या साढ़े साथी चल रही है, हमें शनि की विशेष आराधना जरूर करनी चाहिए और हो सके तो शनि की विशेष साधना करनी चाहिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने यह निर्णय लिया है कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए शनि के विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा। 30 मई को हम आपके नाम से विशेष पूजन करेंगे और उसके बाद पूजन की विशेष जानकारी आपको भेजी जाएगी व्हाट्सएप के द्वारा, और शनि की छल्ला, शनि की माला और शनि विशेष सामग्री आपको भेजी जाएगी ताकि आपके जीवन में शनि का लाभ मिल सके, शनि के कष्ट दूर हो सके। इसके लिए आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में संपर्क करिए ताकि आप समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। एक बार जरूर बोलिए जय जय शनिदेव। जमीन की कीमत और नर्स की हिम्मत कभी कम नहीं होती है। आपको अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके मिले होंगे देखने के जिसपे आपकी या आपके अपनों की हॉस्पिटल में सिस्टर ने या नर्स ने बहुत मदद की होगी। नर्स वो सब कुछ जानती है शरीर के बारे में और वो ईश्वर से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहती है, इसीलिए हम बहुत बड़ी दुविधा और तकलीफ और बीमारी से निकल आते हैं। आज इंटरनेशनल नर्स डे है, नर्स को याद करने का दिन है। मेरे माता जी का जब अंतिम समय था तो पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया ऐसी कुछ थोड़ी थोड़ी तकलीफें उन्हें थी। संतोष जी नाम की एक नर्स या यूं कहें कि सिस्टर, उन्होंने इतना प्यार से मेरी माता जी की सेवा की, क्योंकि नर्स कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट रहती है और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसलिए आपके आसपास भी अगर ऐसे कोई नर्स है, सिस्टर है, उनकी मदद आप जरूर करिएगा। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत रखना चाहिए क्योंकि इस दिन मोहिनी एकादशी होती है और इस दिन भगवान विष्णु जी की मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। और अगर आप व्रत रखते हैं और विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं, तो देखिए आपका जीवन भी सुखों से बढ़ जाएगा और पापों का शमन हो जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश रिवाली और आप देख रहे हैं 12 मई गुरुवार मोहिनी एकादशी स्पेशल आज का राशिफल। इसके साथ साथ आज मोहिनी एकादशी पर हर राशि के बाद एक विशेष उपाय बताऊंगा जो आपके घर में खुशहाली ला सकते हैं। आज से हमने थोड़ा परिवर्तन किया है प्रिय साथियों राशिफल में। शुरुआत में हम व्यापार में आ रही दुविधा को दूर करने का एक विशेष उपाय बताएंगे। आज 6 राशि के बाद एक विशेष यंत्र के बारे में जानकारी होगी। शुरुआत आज के महा उपाय की या यूं कहें कि गुरु मंत्र की। बिजनेस में अगर आपके या आपके अपनों की कोई समस्या आ रही है और उसे दूर करना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी पर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करनी है। आज आप नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर को गंगा जल से धोकर वहां सूखी हल्दी, केसर और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। बेटी, पत्नी, माँ, बहन, किसी सुहागनी स्त्री से बनाएं तो सबसे अच्छा। और गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर पूजा करें। इसके बाद गुड़ का भोग लगाएं। इससे व्यापार में अगर कोई तकनीक की प्रॉब्लम आ रही है, पैसों की तकलीफ आ रही है, तो वो दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप उससे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 13 से 15 मई तक दिल्ली, गुड़गांव, आगरा और लखनऊ की यात्रा पर रहूंगा। 19 से 22 मई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और भोपाल की यात्रा पर। 27 से 29 मई मुंबई, सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद की यात्रा पर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों के लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग पर। आज शाम को 6:51 तक मोहिनी एकादशी तिथि रहेगी और बाद में द्वादशी आ जाएगी। आज शाम को 7:29 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और बाद में हस्त नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि अनफा योग का साथ मिल ही रहा है।
लेकिन अब नया हर्षण योग भी आज बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग, मिथुन कन्या धनु और मीन अगर आपकी राशि है तो हंस योग और बालभ योग का लाभ मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, आज अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो आपको आज नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? पहले तो सुबह 7:11 से शाम को 6:51 तक रहेगी पाताल लोक की भद्रा और उसमें करते नहीं है, और दूसरा दोपहर में 1:30 से 3 तक रहेगा राहु काल। इसलिए आज शुभ और मांगलिक कार्य न करें, सिर्फ एकादशी मनाएं, आज व्रत करना चाहिए, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, कुछ न कुछ ऐसा करें जो घर में शांति ला सके। 6 राशि के बाद हम बात करेंगे आज के यंत्र सेगमेंट की, जिसमें धन की वर्षा कैसे हो सकती है, और कार्यक्रम का अंत होगा आज का एस्ट्रो ज्ञान। शुरुआत मेष राशि से। किसी पुरानी मानसिक या शारीरिक बीमारी से आज छुटकारा मिल सकता है, उसमें कमी आ सकती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आज करना शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, साथ ही आपको स्टडी पर ध्यान देना चाहिए जो आपके बेहतर भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन कर सकता है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप कोई भी काम करते हैं, हमेशा हमें पढ़ाई करनी होती है, हमें सीखना होता है। सेहत को लेकर आप देर भर चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे, जिससे आपके महत्वपूर्ण काम में थोड़ी देरी होनी थी वो अब कम हो जाएगी। अनफॉर हर्षण योग के बनने से होटल मोटेल रेस्टोरेंट फूड एंड बेवरेजेस फ्रूट और वेजिटेबल्स का काम करने वाले या डेली नीड्स जनरल स्टोर का काम करने वाले लोगों को जटिलताओं से जूझते हुए आप अपना मार्ग जरूर प्रशस्त कर पाएंगे। रिश्तों के मामले में आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ी परेशानी हो सकती है। पैसों की आमद के प्रबल आसार हैं। नई प्लानिंग पर काम जरूर करिए। दोपहर बाद कामकाज समय पर पूरे हो पाए इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपके व्यवहार से ऑफिस में अधिकारियों और सहकर्मियों से मनभेद और मतभेद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। न कश्चित कस्यचित मित्रम, न कश्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तता। अर्थ है, दुनिया में कोई भी न किसी का दोस्त होता है और न ही कोई किसी का दुश्मन होता है, लेकिन व्यवहार से ही दोस्त और दुश्मन बन जाते हैं। मोहिनी एकादशी पर शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर भगवान श्री विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो के सामने दीपक जलाएं और वहीं पर बैठकर ओम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि। आज माँ बाबू जी को संतान से बैठकर भविष्य के लिए बात करनी चाहिए और संतान को अपने माँ और पिताजी से दिल खोलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत पुण्यदायक है। बिजनेस में सितारों का साथ मिलने से कॉस्मेटिक बिजनेस में लाभ की स्थितियां बनेगी। कॉस्मेटिक गिफ्ट आइटम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट फूड एंड बेवरेजेस होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए लोगों को आज आर्थिक सुधार की उम्मीद नजर आ रही है। कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, पैसे से पैसे बनाने के अवसर मिलेंगे। इस दिन आपको कोई नया इनकम सोर्स मिल सकता है या उसके बारे में बातचीत तो एटलीस्ट हो ही सकती है। जीवन में कोई बड़ी समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन भाग्य से आपकी छोटी छोटी समस्याएं दूर जरूर हो जाएगी। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जटिल समस्या का समाधान पिता के पास है, आज उनके चरणों को पकड़ लीजिए, आपको कहीं ना कहीं समाधान जरूर मिलेगा। और वर्क प्लेस पर कुछ अप्रिय घटनाओं से आप थोड़े चिंता में पड़ जाएंगे, जिसका असर आपके काम पर पड़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, आप अपना काम समय पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसका मलाल आपको खुद रहेगा। इसलिए सुबह उठते ही डिसाइड कर लीजिए हर काम को तय समय से पहले करना है। सेहत के मामले में थोड़ा सतर्क रहिए, लेकिन ट्रेवल में ज्यादा सतर्क रहिए। मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण जी को मिश्री युक्त माखन का भोग लगाएं और ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र का कम से कम 3 जाप करिए। मिथुन राशि। आज परिवार के सुख और सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, थोड़ा परिवार पर फोकस रखिए, आपको अच्छा लगेगा। वर्क प्लेस में या उससे जुड़ी हुई कोई समस्याएं उस पर और उलझ जाएंगे, थोड़ा अलर्ट रहें। सबसे खराब संभावना है कि आप अपनी कल्पनाओं में कहीं गोते लगाते रहेंगे और धरती पर ध्यान नहीं देंगे तो आप फंस जाएंगे, सावधान रहें। आपको अपने संतान की गलतियों से थोड़ा दुख मिलेगा। आपके पारिवारिक आचार और विचार थोड़े बिगड़े हुए रहेंगे। काम के बारे में बुरी खबर आने की थोड़ी संभावना है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स पशोपेश में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, डबल माइंड रहेंगे। आप अपना समय बर्बाद न करें और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार एक कदम और बढ़ाएं। व्यापार में आपके लिए दिन थोड़ा तकलीफ वाला है, इसलिए जिससे पैसा मांग रहे हैं वो आप थोड़ा प्यार मोहब्बत से मांगिए और पैसे को चुकाने का काम तुरंत करिए, कमिटमेंट को पूरा करिए। आपको किसी प्रकार की धन हानि की भी संभावना है मुझे शाम को लग रही है। पैसा इन्वेस्ट करते समय या उधार देते समय बहुत ज्यादा ध्यान रहे। भूलकर भी गुरुवार के दिन आपको शेविंग यानी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इस दिन शेविंग करने से जो सेविंग है घर की वो चली जाती है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बनाए रखें।
क्योंकि आपका पेट आज खराब होने वाला है। मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री वासुकीनाथ जी को मिश्री का भोग लगाएं और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। कर्क राशि, आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। कुछ स्पेशल आप करने वाले हैं जिससे आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेडिकल, आयुर्वेद, होम्योपैथी बिजनेस से या यूं कहें फार्मास्यूटिकल के बिजनेस से अच्छा और खासा मुनाफा और धन प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही कुछ नई प्लानिंग पर आपका धन खर्च होने वाला है। वाश योग और हर्षण योग के बनने से आपका व्यक्तित्व, आपकी महत्वाकांक्षाएं नई सफलता की ओर बढ़ाएगी। व्यक्तित्व में वृद्धि आसानी से लोगों को प्रभावित करती है। पदोन्नति होने का आसार है। यदि कोई नई नौकरी की तलाश में है तो आपको अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए और आप सफल जरूर होंगे। आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवेदनशील मामलों पर चर्चा नहीं करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने टीचर, कोच, मेंटोर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने अपने फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। आज हल्का सा बुखार या गर्मी जनित रोग परेशान कर सकते हैं, सेहत का ख्याल रखिए। मोहिनी एकादशी पर हल्दी मिश्रित दूध को भगवान नारायण जी को अर्पित करें और ओम ह्रीम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः मंत्र का जाप करें। सिंह राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाकर आज आप आशीर्वाद लूट लेंगे। किसी और के आंसू पहुंचने का काम आप करने वाले हैं। सेहत के मामले में समय अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं, अब उन्हें डबल होने का प्रस्ताव मिल रहा है, यानी अच्छा साथी और कंपेनियन मिल सकता है। आज लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने की एक प्रयास या कोशिश और करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, कुछ बेकार की एक्टिविटीज होती है जिस पर हम समय बर्बाद करते हैं, या यूं कहें कि मूर्खों की सभा में जाकर हम लीडर बन के भाषण देने का काम करें। मूर्खों को समझ में आएगा नहीं और लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्चुअल मूर्ख है कौन। ऐसे काम आपको नहीं करना चाहिए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर और सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों के आज आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। इस दिन आपकी कुछ परेशानियां खत्म होने वाली है। आपको कोई अच्छी खबर जिसका इंतजार था मिलने वाली है। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। सोचे हुए ज्यादा काम आपके पूरे तब होंगे जब आप साइलेंट मोड में रहेंगे। आपको किसी को नहीं बताना है जब तक आपके काम पूरे नहीं हो जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर स्टूडेंट को आज आत्मविश्वास टॉप लेवल का दिखाई देगा। भविष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। नौकरी पेशा लोगों को फायदा जरूर मिलेगा। आपके कामकाज से अधिकारी आज खुश होने वाले हैं। मोहिनी एकादशी पर भगवान मदन गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाएं और ओम क्लीम ब्राह्मणे जगदाधाराय नमः 3 मिनट तक जाप करिए, मजा आ जाएगा। कन्या राशि, चंद्रमा आज आपकी राशि में रहेंगे, मन को विचलित करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए वो भटकाने की कोशिश करेंगे, रॉन्ग डिसीजन लेने की कोशिश करवाएंगे, बैड कंपनी में डालने की कोशिश करेंगे। आप मत फंसिएगा। आपका बिजनेस अच्छी तरह से आगे बढ़े, आप समय से पहले ऑफिस के लिए घर से बाहर निकलें। डिसीजन लेते समय भावुक बिल्कुल ना हो, सोच विचार कर ही डिसीजन लेना चाहिए, तभी फायदेमंद रहेंगे। अनफॉर हर्षण योग के बनने से फाइनेंशियल लाभ के संकेत इसी से निकलेंगे। आप अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज के विस्तार के लिए नई रणनीति अपना सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की भावनाओं में आप थोड़े बह जाएंगे और प्यार, इश्क और मोहब्बत लेकर बाहर निकलेंगे। वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, बॉस, ऑफिसर के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाइए। वर्क प्लेस पर पहले से किए गए काम में बेहतरी मिलेगी और आप आसानी से तो नहीं लेकिन थोड़ा स्पेशल मेहनत और मशक्कत करके आगे जरूर बढ़ जाएंगे। आप कुछ सकारात्मक सुनेंगे और करेंगे। आपको अपने खर्च और कर्ज को कम करने के लिए आज परिवार के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी कामयाबी आपकी मेहनत और स्मार्ट वर्क में छुपी हुई है, इस पर ध्यान दीजिए। सेहत को लेकर, पेट को लेकर तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिए। आज मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री वेणुगोपाल जी की तुलसी दल अर्पित करके पूजा करें और ओम पीम पैताम्बराय नमः मंत्र का 3 मिनट जाप करिए, पुण्य मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 6 राशि के बाद बात करते हैं आज के यंत्र सेगमेंट की। आपने कनक धारा यंत्र का नाम तो जरूर सुना होगा। कनक का मतलब है सोना और कनक धारा यंत्र की जो व्यक्ति पूजा करता है, यदि वो बेरोजगार है या कहीं पैसा फंस गया, नुकसान और धोखे हो गए, बिजनेस में मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उतना धन नहीं मिल पा रहा है, मैरिटल लाइफ में पैसों को लेकर अनबन है, तो यह साधना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। शीघ्र धन प्राप्ति के लिए कनक धारा साधना विशेष रूप से प्रभावी है। इस यंत्र में कुछ ऐसी विशेषता है कि यह स्वयं ही गृहस्थ को अनुकूलता की ओर अग्रसर करता है। पति पत्नी परिवार सहित करना चाहिए, एटलीस्ट धूप अगरबत्ती रोज जरूर करें। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कुछ ऐसे नए रास्ते कनक धारा यंत्र खोल देता है जो आगे चलकर
साधक अपने जीवन में वो सब कुछ पा लेता है जो वो पाना चाहता है। करंट धारा यंत्र अत्यंत दुर्लभ परंतु लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रामबाण है। पहले जमाने में ये बड़ी मुश्किल से बनाया जाता था, आज बहुत सारे लोग बनाते हैं। आप इसे प्राप्त करें और अचूक स्वयं सिद्ध ऐश्वर्य प्रदान करने में सर्वथा समर्थ इस यंत्र का उपयोग गरीबी का नाश के लिए होता है। यह अद्भुत यंत्र तुरंत फलदायी है परंतु इसके प्राण प्रतिष्ठा मंत्र चैतन्युक्त और अभिमंत्रित होना जरूरी है। कहीं बाजार से लिया है, ऑनलाइन आपने ऑर्डर कर लिया, वो कोई काम का नहीं है क्योंकि इसके अंदर प्राण डालने जरूरी है। यदि कनक धारा यंत्र के सामने बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो तुरंत फलदायी होता है। मनुष्य अपने कर्जों से शीघ्र छुटकारा पा लेता है और अपनी दरिद्रता को दूर भगा देता है। आप इस यंत्र को प्राप्त करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, पंडित जी आपके नाम से इसकी पूजा करेंगे और फिर आपको इसे बाय कोरियर भिजवा दिया जाए। तुला राशि, कानूनी मामले सुलझेंगे। किसी से मनभेद और मतभेद है उसे सुलझाइए और नए झगड़ों में मत पड़िए। मानसिक और शारीरिक पीड़ा का अनुभव होने की संभावना ज्यादा है। आप अपने बच्चे को लेकर थोड़ी चिंता में रहेंगे। आप संयुक्त परिवार वाला आनंद उठा नहीं पा रहे। सबको स्पेस दीजिए, सब आपके साथ रहेंगे। अपने मनोबल को यानी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको भगवान की आराधना और जिस काम में सबसे ज्यादा डर लगता है उसे शुरू करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आईटी प्रोफेशनल्स, वेब डिजाइनर, ऐप डिजाइनर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सोशल मीडिया पर काम करने लोगों को आज कुछ क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है, चिंता बढ़ने वाली, ध्यान रखिए। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपको मिले जुले नतीजे मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो जरूरी काम है उसे आज निपटा दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगातार प्रयास न कर पाना, सोशल मीडिया और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होना आपको तकलीफ दे सकता है। आप सुस्ती और आलस्य घटाइए, अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें और आप पूरे दिन आज कुछ नया पढ़ें, नया सीखने की कोशिश करें और थोड़ा रिस्क लेकर कुछ अप्लाई करिए। सेहत को दें पहला स्थान, तभी होगा बीमारियों का निदान। बात करते हैं मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि जी की प्रतिमा पर मुल्तानी मिट्टी का लेप करें और ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः मंत्र का जाप 3 मिनट तक करिए। वृश्चिक राशि, छोटे हों या बड़े हों, भाई हो या बहन, खुशी की खबर आप लोग जेनरेट करेंगे और परिवार में बांटेंगे, आनंद मिल जाएगा। बिजनेस में नई प्लानिंग बनाने के बारे में परिवार के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। भविष्य में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होने वाले हैं, आपको अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने जाना है, ये सब कुछ संभव है। वाशी योग के बनने और हर्षण योग के बनने से कोई बड़ा सौदा आपके हाथ लग सकता है। आप में से कुछ प्रोफेशनल लोग लाभ कमाने वाले हैं। व्यावसायिक सहयोगियों के साथ आपकी समझ अच्छी बढ़ेगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे स्टूडेंट की काफी दिनों बाद तारीफ होने वाली है। सेहत में सुधार आएगा और नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिएगा, आपका प्रेजेंटेशन शानदार रहेगा। ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज आज आपको खुशहाल बना देगा। अपने परिवार के सदस्यों की कंपनी का शाम को अच्छा आनंद देंगे। छोटे हों या बड़े, भाई हो या बहन, कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो देख रहे हैं, आप उनकी मदद करिए। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको बोरियत महसूस होगी, अब धीरे धीरे वापस आपको काम पे लौट जाना चाहिए। जीवन साथी के साथ भावनात्मक रिश्ते गहरे बनाइए और याद रखिएगा, जो लोग आपको दिल से पसंद करते हैं उनको दिमाग से जवाब नहीं देना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर श्री राधे श्याम जी को शहद मिश्रित दही का भोग लगाएं। ओम नारायणाय सुर सिंहाय नमः मंत्र का 3 मिनट जाप करिए। धनुराशि, राजनैतिक उन्नति होगी, पब्लिक में आपकी इमेज बेटर होगी। समाज, परिवार, गली मोहल्ले और सोसाइटी के लिए या सोशल मीडिया पर कुछ काम करने का मौका मिलेगा। कुछ दान देना, किसी की मदद करने का पुण्य आपको मिलने वाला है। अधिक धन होने से दान नहीं होता है, बड़ा हृदय होने से दान होता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, यह एक सकारात्मक दिन है आपके लिए। आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे और एडवांस और एक्स्ट्रा काम करेंगे। व्यवसाय लोगों को सामान्य से अधिक लाभ कमाने की संभावना है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच समझ बढ़ने वाली है। कुछ सकारात्मक सुन के अच्छा कर पाएंगे। कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए या कुछ लालच कोई आपको दे सकता है, गलत काम आपसे करवा सकता है, ऐसे लोगों से बचिए। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोफेशनल मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं या फिर मीटिंग आप क्रिएट करने वाले, जनरेट करने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं, इस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आज मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्री नंद गोपाल जी को चने का भोग लगाएं। ओम श्रीम देव कृष्णाय ऊर्ध्वजाय नमः मंत्र का 3 मिनट जाप करिए। मकर राशि, स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा। किसी और के आंसू पहुंच लेंगे, किसी और के दुख को अपना दुख समझ लेंगे।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, यह एक कठिनाइयों भरा दिन है आपके लिए। आप ऑफिस की एक्टिविटीज के प्रति अट्रैक्ट होंगे, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। इससे आप कुछ गलत करने वाले हैं, इससे बच जाएं। आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारियां दी जाएगी, बस आज जल्दीबाजी मत करिएगा। पार्टनरशिप बिजनेस के विस्तार के लिए या आप अपने पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आप परिवार वाले लोगों को, चाहे वो दादाजी हो, ताऊ जी, काका जी, पिताजी भी हो सकते हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, आज उनको रेस्ट देर खुद पहल करिए। आप बिजनेस में कुछ कच्चा काम नहीं करें, पक्का काम करने की कोशिश करें। पैसों का हिसाब किताब प्रॉपर रखिए, बाधाएं और मुश्किलें इससे दूर हो जाएगी। ज्यादा सोचने बजाय अपने काम पर ध्यान अधिक केंद्रित करें। स्थितियां आज नहीं तो कल आपके पक्ष में जरूर आएगी। आपका आत्मविश्वास भी इसी से बढ़ेगा। अपने छोटे या बड़े भाई बहनों के साथ आपको खुशी जरूर मिलने वाली है। आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए परिवार में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करिए और घर में एकता के लिए छोटा या बड़ा त्याग करना पड़े तुरंत कर लीजिए। मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर श्री गोविंद को पान के पत्ते में लौंग और इलायची रखकर अर्पित करें और वहीं ओम श्रीम वत्सलाय नमः 3 मिनट जाप करिए। कुंभ राशि, जिंदगी में कई ऐसे मामले होते हैं जो अनसुलझे होते हैं। उन्हें सुलझाने का प्रयास तब करना चाहिए जब आपको यह विश्वास हो कि ये काम आप कर सकते हैं, तभी जुड़िए। वर्कप्लेस पर आपको नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास अब करना होगा। आपकी वाणी आज थोड़ी कठोर होने वाली है। आपकी अपने ऑफिस में किसी से झड़प होने वाली है, सावधान रहें। बोली बहुत अच्छी और मीठी रखिए। ग्रह स्थितियां विपरीत होने से बिजनेस के किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। अचानक पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है, ख्याल रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक पर आए इस पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपका अपना ही कोई दोस्त आपको धोखा देने वाला है। धोखा मतलब निकलने के बाद सौगात में जो मिल जाता है उसे धोखा कहते हैं। और आपको अक्सर धोखा पराए लोग तो छोड़िए, अपनों ने ही दिया है। सावधानी बरतिए रिश्तों में। वैवाहिक जीवन में परेशानी कम करने के लिए हाथ में एक अच्छा गिफ्ट, चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्दों के साथ अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाएं। दिन बहुत शानदार हो सकता है। प्रिय साथियों, आज आपकी वजह से किसी की सेहत ठीक हो सकती है और आपको खुद ट्रैवल में ध्यान ज्यादा देना चाहिए। मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान नारायण को नारियल और मिश्री अर्पित करें और ओम श्रीम उपेंद्राय अच्युताय नमः मंत्र का जाप करें। मीन राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाइए। हर्षण योग के बनने से मार्केट में आ रही रुकावटें या आपके प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में कोई तकलीफ आ रही थी वो दूर हो जाएगी। आप आज हर्षित हो जाएंगे, पैसा निकल सकता है, खर्चे और कर्जे कम कर सकते हैं, बिजनेस में तरक्की होगी और परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। कोई अच्छी खबर जिसका इंतजार था वो आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलने वाले हैं। आपके और आपकी भाई बहन के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी माता पिताजी को बहुत अच्छा फील होगा। आप किसी विशेष काम को करने के बाद लोकप्रिय हो जाएंगे। आपको अपने गुस्से और उससे निकलने वाले अपमानजनक शब्दों को नियंत्रण में लाना चाहिए, वरना कोई झड़प हो सकती है। आपकी सोच जितनी नकारात्मक होगी, आपके खुद पर और दूसरों पर उतना ही क्रोध आपको आएगा। यानी आपकी सोच नकारात्मक होगी तो आप अपने आसपास के लोगों पर हमेशा गुस्सा करेंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ विनम्रता से पेश आए। एग्जाम की डेट नजदीक है या फिर हो सकता है स्टूडेंट के एग्जाम चल रहे हो। ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करिए, इधर उधर भटकने का कोई काम नहीं करें। खान पान पर ध्यान रखना जरूरी है, जंक फूड से दूरी बनाएं। बात करते हैं मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु जी को केसर का तिलक करें और ओम क्लीम उद्वताय उद्वारिणे नमः मंत्र का 3 मिनट जाप करिए, पुण्य मिलेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। अब बात करते हैं आज के एस्ट्रो ज्ञान की। अगर आपकी राशि कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन है तो आपके लिए शुभ दिन है। मेष, वृषभ, कर्क, सिंह राशि वाले लोगों के लिए सामान्य है, परंतु मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले लोगों को संभल के रहना चाहिए। कोशिश करें आप लोग कि 7 हल्दी की गांठ को विधिवत तरीके से पूजा करके पीले कपड़े बांधकर विष्णु भगवान जी के मंदिर में रख आए। राशि पर आए हुए संकट दूर होंगे, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। प्रिय साथियों, आप उसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप दीपा जी, कुलदीप जी और शिव जी से बात कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।